नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लाइव स्ट्रीमिंग कैसे कर सकते हैं। जो भी आपका एप्पल के डिवाइसेज है, अगर आपके पास दोनों, तो आप जो है लाइव स्ट्रीम इजीली कर सकते हैं बिना किसी, जो भी आप एलगाटो वगैरह खरीदते हैं उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी टेक रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, लाइव स्ट्रीम करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जो पहला है हमारी जो केबल है, जो भी आपके आईफोन के साथ आई होगी लाइटनिंग केबल, वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैं आपको बता दूंगा वीडियो में आगे। तो हमें क्या करना है, हमें जो अपनी केबल है वो अपने मैकबुक, जो भी आपके पास एप्पल का डिवाइस है मैकबुक, तो उसमें आपको कनेक्ट करनी है। फिर आपको अपने फ़ोन में कनेक्ट करनी है, जैसे कि मैं कर लेता हूँ, आपको फ़ोन में कनेक्ट करनी है। उसके बाद आप जैसे ही अनलॉक करेंगे फ़ोन, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दो एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी है, लूप बैक और स्ट्रीम लैब्स। आप स्ट्रीम लैब्स भी कर सकते हैं और OBS भी कर सकते हैं इसके लिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं दोनों में से। तो जैसे मेरे पास लूप बैक है और स्ट्रीम लैब्स है। तो लूप बैक किस काम में आएगी, लूप बैक आएगी हमारी जो ऑडियो, जो हमारा जो भी फ़ोन का ऑडियो है उसको इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए, जो भी हमारे लाइव स्ट्रीमिंग में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्विक प्लेयर है और ये लूप बैक की जो साउंड है वो आपको आउटपुट में देगा, ये दोनों को मिक्स करके। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जैसे अब आपको क्या करना है, आपको अपना क्विक टाइम प्लेयर जो है वो ओपन करना है। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ से आपको ओपन करना है। यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है उस पर, उसके बाद आपको न्यू मूवी पे क्लिक करना है। जैसे मैं न्यू मूवी पे क्लिक कर देता हूँ, न्यू मूवी पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा होगा ये रिकॉर्डिंग के पास में, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी आपने फ़ोन कनेक्ट किया है उस फ़ोन को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं कर लेता हूँ, मेरा फ़ोन जो है ये मैंने फ़ोन कर लिया सेलेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो आपको वापस से इसी पर क्लिक करना है, जो आपको ऑडियो के लिए आपको नीचे माइक्रोफोन दिख रहा होगा, आपको अपने फ़ोन को ही सेलेक्ट करना है माइक्रोफोन के लिए भी। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ जैसे करके। तो ये मान लीजिए मैं जैसे इसमें पबजी ओपन कर रहा हूँ अपना। अब आप देख सकते हैं कि मेरी साउंड जो है वो लैपटॉप में नहीं आ रही, अभी तक मैकबुक में नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो आपका साउंड ये है इसको ऑन कर लेना है। अब आप देख सकते हैं आपकी साउंड जो स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। तो ये आपका लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है, आप देख, जो कि स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी ऑडियो के साथ। आप चाहे तो माइक्रोफोन भी जो आपका फ़ोन का ही यूज़ कर सकते हैं उसमें। मैं थोड़ी वॉल्यूम डाउन कर देता हूँ। ये आपकी जो स्क्रीन शेयर का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपका स्ट्रीम लैब्स है या OBS है उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद आपको सोर्सेस वगैरह ऐड कर लेने हैं यहाँ पे। यहाँ से मान लीजिए मैं विंडो कैप्चर पे क्लिक करता हूँ और ऐड सोर्स पे क्लिक करना है हमें। यहाँ से ऐड सोर्स, यहाँ से हमें क्लिक करना है। यहाँ से हमें जो भी हमारा था क्विक टाइम प्लेयर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें थोड़ी कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से जो है स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। तो मैं आपको OBS में करके दिखा देता हूँ एक बार। आप जो है दोनों ही एप्लीकेशन में से कोई सी भी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने पहले ही ऐड कर रखा था, इसकी वजह से जो मेरी यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जैसे मैंने OBS में दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ से आपको सोर्सेज पे क्लिक करना है। मैं आपको डिलीट करके वापस दिखा देता हूँ एक बार।
ये मैंने रिमूव कर दिया। ये रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको विंडो कैप्चर पे क्लिक करना है, फिर आपको जो है यहाँ पे ओके करना है। मैं कर देता हूँ ओके। यहाँ से आपको विंडो सेलेक्ट कर लेनी है आपकी जो भी है। मेरा क्विक टाइम प्लेयर में जैसे चल रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये आ गया हमारा। ओके करना है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। अब आपको स्ट्रीमिंग के लिए क्या करना है, स्ट्रीमिंग के लिए अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो मैं आपको अलग से वीडियो भी बना के दिखा दूंगा उसमें कि आप कैसे पूरा स्ट्रीम कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग के लिए आपको यहाँ से आप सोर्सेज वगैरह सीन वगैरह यहाँ से ऐड कर सकते हैं सब कुछ। यहाँ से आप स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको इसको ऊपर रखना है नीचे रखना है। और यहाँ से आप जो है स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे यूट्यूब की वगैरह जो भी होगी उसके बारे में पूछेगा। तो यहाँ से फिर आप स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि ऐसी टेक रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल सके। और जो दोनों सॉफ्टवेयर के लिंक है वो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। सो अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता सकते हैं।